गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज भी वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक के बारे में, और इसके अलावा 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की बात करेंगे और देखेंगे स्टॉक्स से न्यूज़, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 16,900 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,200 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 39,500 का सपोर्ट मिल रहा है और 40,400 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। इन स्टॉक्स को आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है परसिस्टेंट, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 4,542 पर। स्टॉप लॉस 4,383, पहला टारगेट 4,702 और दूसरा टारगेट 4,860 पर रख सकते हैं। फिर है टोरेंट पावर, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 530 पर। स्टॉप लॉस 506, पहला टारगेट 555 और दूसरा टारगेट 578 रख सकते हैं। अब है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो बाय कर सकते हैं 650 पर। स्टॉप लॉस 628, पहला टारगेट 673 और दूसरा टारगेट 695 पर रख सकते हैं। फिर है KEI, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 1702 पर। स्टॉप लॉस 1650, पहला टारगेट 1755 और दूसरा टारगेट 1805 पर रख सकते हैं। इसके बाद है JK लक्ष्मी, यहां पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, बाय कर सकते हैं 768 पर। स्टॉप लॉस 745, पहला टारगेट 791 और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 815 पर। जो कॉल्स हमने आपको रिकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें जिंदल सॉ वेंट अप 3.6%, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, एंड मणिपुरम वेंट अप 3.8%। अब चलिए क्विकली नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें आज हम बात करेंगे टाटा पावर, MLDL और ट्राइडेंट के बारे में। सो सबसे पहले टाटा पावर कंपनी की बात करें तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ TPC को ₹1,755 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है टू सेटअप 300 MW सोलर प्रोजेक्ट फॉर NLC इंडिया इन राजस्थान। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड की बात करें तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स MLDL's आर्म हैज ट्रांसफर 9.25 acres of residential land to Alliance Group to develop a multi-story residential project under their brand Urban Rise. इसके अलावा ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट ने इश्यूएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वर्थ अप टू ₹25 करोड़ अप्रूव किया है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। एंड ऑल्सो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें।